आगे बढ़ेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का दौरा है। द्रौपदी के दौरे से पहले पूरे शहर को सजाया गया है। पोस्टर में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। द्रौपदी मुर्मू के अलावा आदिवासी जननायक के पोस्टर भी लगाए गए हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा और तमाम तैयारियां पहले से ही सरकार ने कर रखी है, बीजेपी ने कर रखी है। द्रौपदी के दौरे से पहले पूरे शहर को सजाया गया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राजधानी भोपाल आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? शब्बीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो तस्वीर आपको दिखा दें, पहले तैयारियां पूरी कर ली गई है बीजेपी के द्वारा, चूंकि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो है वो राजधानी भोपाल आ रही है। तैयारी पहले से ही पार्टी ने कर रखी है, तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों को, सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश, और उसके बाद रणनीति यहां पर तय की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी विधायकों सांसदों से मुलाकात करेंगी और उसके बाद वोट की अपील यहां पर करती नजर आएंगी। बता दें, इसके पहले छत्तीसगढ़ का दौरा था और आज एक ही दिन में मध्य प्रदेश का भी दौरा है। ऐसे में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी भोपाल आ रही है। पूरे को दौरे से पहले सजाया गया है। आदिवासी संस्कृति की झलक एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पोस्टर्स लगातार पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। द्रौपदी मुर्मू का राजधानी भोपाल दौरा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, और उसके बाद तमाम बीजेपी के विधायकों सांसदों को राजधानी भोपाल में मौजूद रहने के निर्देश। एक बड़ी बैठक यहां पर होगी, उसमें वोट की अपील यहां पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू करती नजर आएंगी। खास बात यह है कि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तैयारी में आपको साफ तौर पर मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति की झलक नजर आ रही है। ये तमाम तैयारियां पहले से ही कर रखी है और ऐसे में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहन के लिए इस तरह की तैयारियां एक बार फिर की गई है। द्रौपदी मुर्मू के अलावा तमाम आदिवासी नेता भी राजधानी भोपाल में मौजूद है।